चंद्रयान मिशन का लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या हमारा लैंडर से दोबारा संपर्क हो पाया? इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रयान कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। दोस्तों, इसरो ने AIN के हवाले से कहा है कि जो हमारा ऑर्बिटर है उन्होंने लैंडर का तस्वीर भेजा है, जिसमें से तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जो लैंडर है वो काफ़ी सुरक्षित है, यानी कि लैंडर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की थी, हार्ड लैंडिंग की थी। इस वजह से लैंडर जो है अपनी सतह जहां पर लैंड करना था वहां से 500 मीटर की दूरी पर लैंड किया है और झुकी हुई है। इस वजह से कनेक्टिविटी जो है ऑर्बिटर के साथ लैंडर का टूट गया है। अब इसरो हर संभव प्रयास करेगा लैंडर के साथ ऑर्बिटर की कनेक्टिविटी को जोड़ा जाए। इसमें थोड़ी सी दिक्कतें हैं क्योंकि जो लैंडर है वो चांद के सतह पे है और चांद के सतह पे होने के वजह से उसकी स्थिति में परिवर्तन करना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि अभी जो लैंडर का चांद की सतह पर रहने का जो अवधि है 14 दिनों का, उसमें अभी 11 दिन और बचे हैं। 11 दिनों तक इसरो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा लैंडर और ऑर्बिटर के बीच में संपर्क साधने का, क्योंकि ये मिशन तभी पूरा होगा जब लैंडर और ऑर्बिटर के बीच में एक बार संपर्क हो जाता है। इसके बाद लैंडर का जो डोर है वो ओपन होगा, उसके बाद उसमें से रोवर निकलेगा, रोवर प्रज्ञान, जो कि चांद की सतह के बारे में पूरी पूरी जानकारी दे पाएगा। हालांकि आपको बता दूं कि जो चंद्रमा के कक्षा में जो हमारा ऑर्बिटर करीब 100 किलोमीटर के दूरी पर चक्कर काट रहा है वो भी काफ़ी सक्षम है चांद की बेहतरीन तस्वीरें भेजने में। उस ये जो ऑर्बिटर है ये भी हमें चांद का अच्छी तरह से अध्ययन करके हमें बता सकता है कि चांद पे मौसम का हाल क्या है, चांद पे पानी है कि नहीं, और भी काफ़ी कुछ जानकारी जो कि साइंटिफिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सारी जानकारी हमारा ऑर्बिटर भी अभी से लगभग एक साल तक देते रहेगा। तो हम इस मिशन को पूरी तरह से असफल भी नहीं मान सकते, ये मिशन 95% सफल है। हाँ, अगर हमारा लैंडर और ऑर्बिटर के बीच में अगर संपर्क हो जाता तो ये मिशन और बेहतरीन हो जाता। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।